देखिए, हमारा जो छात्रावास और आश्रम पूरे प्रदेश में संचालित तो है ही है, लेकिन हमारी सरकार जब थी माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार, उस समय 2015-16 में ही हम लोगों ने, इसके पहले 2010 के लगभग में ही हम लोगों ने एक यहाँ प्रयास नाम के संस्था खोल करके, जो यहाँ कंपटीशन एग्ज़ाम में भाग लेना चाहते हैं उसे विषयवार उनको अच्छी तैयारी करवाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, ऐसा करके संस्था हम लोगों ने चलाया। हमारी सरकार जब तक थी तब तक हम लोग तो बड़े संवेदनशील के साथ जो है उसे ध्यान भी दिया, पूरी व्यवस्था की, बड़े बड़े बिल्डिंगें बना करके उन बच्चों को और बेटियों को रखा गया। लेकिन पिछले 5 साल में यहाँ की स्थिति इतनी जर्जर हो गया है, इतनी दुर्दशा हो गया है कि वहाँ न तो ढंग से मेस चल पाता है और न तो वहाँ रख रखाव ठीक से हो पा रहा है। जितना शिक्षक की व्यवस्था होना चाहिए, जितने कोचिंग की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, वो भी नहीं हो पाया। मैं अभी गया था निरीक्षण में प्रयास स्कूल में, तो वहाँ देखा कि 2 साल पहले से जो कंप्यूटर लैब वहाँ बना हुआ था वो जला हुआ है, 2 साल पहले से, वो आज तक नहीं बन पाया। हमने तत्काल उसे आदेश दिया कि यहाँ की तत्काल जो है व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किया जाए और कंप्यूटर लैब जो है तुरंत यहाँ स्थापित किया जाए। साथ ही साथ अन्य विषयों के भी अगर कोई पढ़ाई की कमी हो रही है तो अन्य विषय के भी तैयारी कराया जाए और यहाँ आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। यहाँ मॉडलर किचन के बारे में भी हमने निर्णय लिया है, बच्चों को खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए भी वहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं था तो उसके लिए भी हमने घोषणा किया है और घोषणा के अनुरूप हमने काम भी प्रारंभ कराया है।